मटर नहीं मांगी होगी ना कि थोड़ी सी निकाली भैया स्पीड ऐसे करना पूरी बाइक वाली फील आती है क्या हाल है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट मंथ हो गया है और उसका रीज़न ये है कि मेरी जो GoPro की बैटरी है वो काम नहीं कर रही वो भी तीनों की तीनों बैटरी और GoPro सपोर्ट को मैंने कॉल किया था तो वो लोग कहते हैं हम बैटरी एक्सचेंज नहीं करते या फिर इंडिया में डिलीवर नहीं करते तो मैं एक्सचेंज कहाँ करूँ जो 1 ईयर की वारंटी मुझे बैटरी पर मिली है वो कहाँ से मैं एक्सचेंज करूँ तो मैंने अमेजोन की भी कॉल करी थी बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए और उन्होंने कहा कि आप GoPro को कॉल करो मैंने उन्हें बताया कि मैंने GoPro को कॉल की थी और वो बता रहे हैं कि वो इंडिया में बैटरी डिस्पैच नहीं करते तो अमेजोन ने कहा कि आप उनसे एक डिक्लाइन लेटर ले लो कि वो इंडिया में बैटरी डिस्पैच नहीं करते और इसलिए एक्सचेंज नहीं करेंगे और उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे तो आज मैं उन्हें कॉल करूँगा और 6 बजे मैंने यहाँ पर आना था काफ़ी छोटे बच्चे मुझे बुला रहे थे यहाँ पे कि भैया आप 6 बजे आना टाइम देख लो अभी 7:45 हो चुके हैं मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पे कोई मिलेगा वैसे दिन भी अब छोटा होने लग गया है तो रात हो रही है अभी हैं हाँ RR हायाबुसा हाँ भैया जब आप जूस पी के जा रहे थे यार चक्कर चक दिए थे तो जिन बच्चों को टाइम दिया था 6 बजे वो तो मिल नहीं पाए क्योंकि मैं लेट हो गया और कोई बच्चे मिल गए थे अभी तो हाँ मैं कह रहा था कि जो बैटरी है वो चेंज नहीं हो रही उसकी वजह से GoPro नहीं चल रहा और उसकी वजह से वीडियोस नहीं बन रही तो तीनों बैटरी में ये इशू आ रहा है जैसे मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करता हूँ कैमरा ऑफ हो जाता है और अभी मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सोचो आप अभी मैंने केबल पावर बैंक पर कनेक्ट करी हुई है और उसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो भी महीने बाद और अभी मुझे लुधियाना जाना है और ये पावर बैंक से अभी कैसे रिकॉर्डिंग होगी कोई ग्लिच ना आ जाए ये सब भी मैंने चेक करना था क्योंकि जिस दिन मैंने लुधियाने जाना है उस दिन अपने बाइक के मोड अनलॉक कराने हैं और वहाँ से फिर GoPro की मैं बैटरी लूँगा एक ही लूँगा क्योंकि 2 लेके और एक ओरिजिनल पछता रहा हूँ मैं तो जो मैंने एक्स्ट्रा बैटरी ली थी GoPro की उसकी जगह मैं पावर बैंक ले लेता वो ज़्यादा अच्छा रहता बेटर जैसे कि अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं भाई आराम से पावर बैंक लगाओ पूरा दिन रिकॉर्ड करो अभी जो पावर बैंक लगा हुआ है रेडमी का है 20,000 mAh का अभी मैंने चार्ज किया है इसका फुल देखते कितना चलता है और आज टेस्ट भी हो जाएगा तो लुधियाने वाली राइड में मैं पावर बैंक से रिकॉर्ड कर लूँगा और एक बैटरी हम अलग से बाय कर लेंगे अभी GoPro को मैंने प्रॉपर यूज़ भी नहीं किया ठीक है दिसंबर में लिया था और वापस दिसंबर आने वाला है और तो भी ये दिक्कत आ गई तो कल राइड पे बहुत लेट हो गया था तो उसकी वजह से कोई मिला नहीं और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ 6:15 हो गए हैं रूपांचल को अभी लेके आया था वापस तो ये भाई अभी इंतज़ार कर रहा था फैट लगी हुई है कि डिजाइन है अच्छा ओहो बड़ी कैंड फैकल बनाई है और है पूरी बाइक वाली फील आती है मैं भी देखा कि मेरा बनाता है इतना कैंड हाँ ये तो है जुआ क्या हाल है हम्म
बाइक देख के बच्चे पूरे खुश हो जाते हैं, हैप्पी एकदम, फॉल्ट रिएक्शन जहाँ पे रुक जाओ। तो ये वाली जो राइड है एक छोटी सी राइड थी जिसमें मैंने आपको अपडेट देना था कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा, और हाँ थैंक यू करना तो मैं भूल ही गया, तो थैंक यू करता मैं यूट्यूब फैमिली का, आप सब लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को। फाइनली हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वीडियोस बनाने के लिए। बस ये GoPro की दिक्कत नहीं होती ना, तो अभी तक बहुत सारी वीडियोस आने वाली थी, GoPro की वजह से सारा काम खराब हुआ पड़ा है। इस वीडियो में इतना ही था, आपको जस्ट अपडेट देना था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही। बहुत ही जल्द लुधियाना वाले राइड पे जाना है, वहाँ पे सारा सामान लेंगे, फिक्स करेंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी मोटो ब्लॉगिंग। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।